आइए परम सम्मानित परम आदरणीय हमारे गुरु आनंद राज जी ने जो गीत गाया था उसी को हम कुछ थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास किया है। आइए आप लोग सुने। अरे कौने बनाई गई जाति पाति कौने छुआ छोती, अरे कौन ऊंचा नीचा बतावे, सुनो ढोंगिन की बात सुनो ठगुवन की बात, तुम्हारी बुद्धि गई मारी। एक एक लाइन पे गौर कीजिएगा, किसने छुआछूत बनाई है, किसने जाति फैलाई है, गौर करें। अरे वर्ण बनाई गई जाति पाति ब्राह्मण छुआछूती, भाइयों आज हमारे लोग मानसिक गुलामी की वजह से गुलामी को झेलते चले आ रहे, छुआछूत को झेलते चले आए रहे। आज अगर एक खून दूसरे खून से मिलाया जाए तो एक निकलेगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने जाति पाति बना करके हम लोगों के अंदर मतभेद पैदा कर दिया। अरे वर्ण बनाई गई जाति पाति ब्राह्मण छुआछूती, अरे धर्म ऊंच नीचा बतावे, सुनो ठगुवन की बात सुनो ढोंगिन की बात, तुम्हारी बुद्धि गई मारी। किसकी बदौलत से हम गुलाम हुए हैं, किसकी बदौलत से हम मजदूर बने हैं। अरे कौने बनाई दो गुलाम तुमका कौने मजदूर, अरे कौने छोड़ाई पढ़ाई, अरे कौने छोड़ाई दई पढ़ाई, सुनो ढगुअन की बात सुनो ढोंगिन की बात, तुम्हारी बुद्धि गई मारी। काम नहीं मिला, हमारे लोग बेवस लाचार होकर के बैठे हैं, और जो पढ़े लिखे थे वो भी आज गन्ना गोड़ रहे हैं, खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी का पता नहीं है, गौर करें। अरे सरकार ही बनाई दो गुलाम तुमका सरकार ही मजदूर, सरकार ही छोड़ाई दई पढ़ाई, सरकार ही छोड़ाई दई पढ़ाई, सुनो ठगुवन की बात सुनो ढोंगिन की बात, तुम्हारी बुद्धि गई मारी। धोबी धानु कहिर गड़रिया गद्दी कुशवाहा नाई भुर्जी तेली तमोली,
गुलामियों की जंजीर में जकड़े होते, गले में हांडी लटक रही होती और कमर में झाड़ू लटक रहा होता। आज चमार पासी धोबी धानू का हिरगढ़ गद्दी कुशवाहा नाई घुर्जी तेली तमोली आज अपने आप को बड़ा घमंड महसूस करते हैं। कहते हैं हमारा घर मकान बन गया, हम अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो जा करके जिनके चूल्हे में आग नहीं जली, जिनके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम आप लोग सूत्रों से पत्थर अपने जीवन को काट रहे होते। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली जानवर पानी पी सकते थे, उस तालाब में हमारे लोग पानी नहीं पी सकते थे। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मनु के विधान में लिखा हुआ था स्त्री शूद्रो विद्यानाधीताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए। स्त्री और शूद्रों को अगर विद्या दी जाएगी, यानी सर्प को दूध पिलाने के समान, गौर करें। हमारी माँ बहने लहंगा लुंगरा पहन करके अपने जीवन को काटा करती थी, लोहे के कड़ा छड़ा पहन करके अपने जीवन को काटा करती थी। इनको कहाँ अच्छे वस्त्र धरे थे, कहाँ सोने चांदी के आभूषण धरे थे। आज हमारी माँ बहने बाबा साहेब की बदौलत से आज सोने चांदी के आभूषण पहनती हैं, अच्छे वस्त्र पहन करके आज बढ़िया से अपने फैशन में रहती हैं। किसकी बदौलत से? बाबा साहेब की बदौलत से। अरे बाबा छोड़ाए लहंगा लुंगरा, रहे परदीपो बताए, रहे परदीपो बताए।